मध्य प्रदेश में आज से डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई। पुरानी पेंशन स्कीम, अस्पतालों में व्यवस्था, संसाधन बढ़ोतरी, अस्पतालों में प्रशासनिक अधिकारी के बजाय चिकित्सीय संवर्ग के अधिकारियों की पदस्थापना सहित अन्य मांगों को लेकर ये हड़ताल की जा रही है। इस हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा असर हो रहा है और मरीज बहुत परेशान है। डिजियाना न्यूज ने डॉक्टरों की हड़ताल का जायजा लिया। शासकीय डॉक्टरों के सात संगठनों द्वारा राज्य सरकारी स्वशासी चिकित्सा महासंघ के बैनर हड़ताल की जा रही है। इंदौर में भी महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय में भी डॉक्टरों ने हड़ताल में शामिल होकर जमकर नारेबाजी की। डॉक्टरों ने सरकार के सामने मांगे रखी हैं, जिन्हें डॉक्टरों के काम करने के लिए उचित वातावरण देने, प्रशासनिक अधिकारियों की दखल अंदाजी रोकने, उच्चतम पदों पर चिकित्सीय संवर्ग के अधिकारियों की स्थापना, चिकित्सकों के लिए डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन यानी DACP लागू करने, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने, डॉक्टरों की पदोन्नति सहित कई मांगे शामिल हैं। सरकार से हम लगातार रख रहे थे, जिसमें जो मुख्य मांगे हैं कि चिकित्सकों के लिए कार्य का जो वातावरण है वो एक अच्छा अनुकूल वातावरण मिले, साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारियों की दखलअंदाजी जिस तरह से बढ़ रही है तो उसे हटाया जाए, साथ ही समयबद्ध पदोन्नति जो कि भारत सरकार के द्वारा और 14 राज्य सरकारों के द्वारा लागू है वो मध्य प्रदेश में लागू की जाए। ये लंबे समय से मांग थी, सरकार ने कई बार हमारे को आश्वासन दिया लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसी के साथ में हमारा जो सातवां वेतनमान है जिसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, जिसके तहत हमारे को आज जो वेतन मिल रहा है वो छठे वेतनमान से भी कम मिल रहा है, तो ये जो वेतनमान की विसंगति है इसको हटाने के लिए हमारी मांग है। साथ ही हम जो ओल्ड पेंशन स्कीम का प्रदेशव्यापी आंदोलन है उसका समर्थन करते हैं, उसके लिए आंदोलन हमने किया है, तो इस तरह से इन सारी मांगों को लेकर हमारे आंदोलन है।